आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 59,106 पहुंच गया है, वहीं 960 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में सर्द होने लगी रातें, पारे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तराखंड में सुबह और शाम सर्दी का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं नई टिहरी में 11.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिससे यहां रात के समय ठंड महसूस की जा रही है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान आज 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी आई है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 82.11, वहीं आज के दाम है 81.97। डीजल के कल दाम थे 71.24, वहीं आज के दाम है 71.10। हरिद्वार की बात करें तो कल वहां पेट्रोल के दाम थे 81.47, वहीं आज के दाम है 81.53। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.62, वह आज के दाम है 70.69। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81.59, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.70, वह आज के दाम है 70.70। प्रकाश जावड़ेकर से मिलेंगे सीएम रावत। दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। काला दिवस। नरेंद्र मोदी सरकार 1947 में जम्मू कश्मीर पर बर्बर हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिए आज काला दिवस के तौर पर मना रही है। सरकार ने इस दिन को याद करने के लिए दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसके अलावा वर्चुअल आयोजन भी किए जाएंगे। जमीन को लेकर प्रदर्शन। श्रीनगर में जमीन के विवाद को लेकर चौरा क्षेत्र की जनता मंडी कॉलोनी में प्रदर्शन करेगी। ठेकेदार संघ का धरना। ई टेंडरिंग सहित अन्य मांगों को लेकर ठेकेदार संघ रुद्रप्रयाग का वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पेंशनर्स के लिए खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। भारतीय सेना और सैनिक बलों के नेपाली पेंशनर्स के लिए पिथौरागढ़ के धारचूला और जौलजीबी में दूसरे दिन भी 6 घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को खोला जाएगा। वहीं भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों को नियमित खोले जाने की मांग को लेकर धारचूला के व्यापारी करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेसी ऋषिकेश में अतिक्रमण के नाम पर शहीद स्मारक को तोड़े जाने के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस पुतला दहन करेगी। दशहरा पर होगा रावण के पुतले का दहन, प्रशासन और नगर निगम में बनी सहमति। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार हर त्योहार फीके पड़ चुके हैं। वहीं कोटद्वार में कोविड-19 के संक्रमण के चलते ग्रास्टनगंज में इस बार रामलीला के मंचन का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन मेला आयोजक समिति ने दशहरा के दिन रावण पुतला दहन करने के लिए सभी सदस्यों ने औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। साथ ही समिति के सदस्यों ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन व आयोजकों के बीच सहमति भी बना ली है। सवालों के घेरे में उत्तराखंड परिवहन विभाग अब तक सरकार को नहीं लौटाया करोड़ों का बजट। प्रदेश सरकार ने साल 2010-11 में परिवहन विभाग को बस अड्डा निर्माण के लिए 1.70 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, लेकिन तब राजस्व विभाग ने मुफ्त में जमीन उपलब्ध करा दी थी। वहीं विभाग ने आज तक स्वीकृत बजट का लेखा जोखा सरकार को नहीं दिया है। मकान की दीवार गिरने से चपेट में आए 2 मजदूर, एक की मौत। रानीपुर मोड़ स्थित मातृ छाया हॉस्पिटल के अस्पताल के पास नाला निर्माण के दौरान एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर दीवार के नीचे दब गए। दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। दीवार के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। लक्ष्मणपुरी के पास क्षतिग्रस्त मसूरी टिहरी बाईपास बना परेशानी का सबब। मसूरी टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी के पास खस्ता हाल में है, जिसके कारण यहाँ स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गृह कलेश में पूरे परिवार ने निकला जहर, महिला की मौत। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गंजा माजरा गांव निवासी एक परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया। ऐसे में परिजन आनंद फानन में उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का पति और एक बच्चे का उपचार अभी चल रहा है, जबकि एक बच्चे को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। ओणेश्वर महादेव व उनके साथ भाइयों पर बन रही फिल्म शूटिंग हुई पूरी। ओणेश्वर महादेव व उनके साथ भाइयों पर बन रही फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है। फिल्म डायरेक्टर अशोक चौहान ने चौहान के मुताबिक यह फिल्म कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी।
हरिद्वार में रणजी ट्रॉफी के लिए जनपद के 26 खिलाड़ी जोनल ट्रायल के लिए चयनित। रणजी ट्रॉफी के लिए हरिद्वार के 26 खिलाड़ियों का चयन जोनल ट्रायल के लिए किया गया है। ट्रायल के पहले चरण में सफल होने वाले खिलाड़ियों के अंतिम चयन के लिए 23 अक्टूबर को ट्रायल किया जाएगा। जसपुर में नाबालिग से गैंगरेप 4 पर केस। नाबालिग लड़की को अगवा कर 4 युवकों ने गैंगरेप किया। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला 22 दिन पुराना है। आरोप है कि आरोपी युवकों ने बंदूक के दम पर घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा मान रही है। पिथौरागढ़ घाट NH आज से आवाजाही शुरू। पिथौरागढ़ घाट NH में गुरुवार यानी आज से आवाजाही पूर्व की तरह सुचारू हो जाएगी। गुना के समीप पहाड़ी कटिंग का कार्य करीब 80% पूरा हो गया है। NH में आवाजाही सुचारू होने से लोगों को राहत मिलेगी। बीते 12 दिनों से इस मार्ग में 6 घंटे आवाजाही ठप थी। इसे लोगों को टनकपुर हल्द्वानी के लिए 86 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ रही थी। स्वाला के पास गिरी पहाड़ी NH पर लगा जाम। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर स्वाला और धौन के बीच पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घटना के वक्त आसपास वाहन न होने से बड़ा हादसा टल गया। सड़क मलबे से पटने के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। NH ने JCB मशीनों को मौके पर भेजा। देर शाम तक मलबा हटाने का प्रयास जारी रहा। प्रदेश में शिक्षकों के पद रिक्त होते ही भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राज्य में शिक्षकों के पद रिक्त होते ही भरे जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने दावा किया है कि विभाग ने आयोग को नियुक्तियों का अधियाचन भेज दिया है। कहा है कि जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। पिथौरागढ़ में संस्थागत क्वारंटाइन सेवा बंद। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा चरम पर है। DM, CDO सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इन सब के बीच बाहर से आ रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। कई क्वारंटाइन सेंटर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह स्थिति तब तक है जब जिले में 107 कोरोना के मामले सक्रिय हैं व 1300 से अधिक लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। श्रीनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला व एक पुरुष शामिल हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से नाराज बेरोजगारों ने बुधवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दफ्तर के बाहर हंगामा किया। उन्होंने आयुक्त सचिव का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहां से उन्होंने CM आवास कूच करना था, लेकिन पुलिस ने पहले उन्हें घंटे तक वहीं रोके रखा और बाद में तितर बितर कर लौटा दिया। दोबारा जाम न होने की हिदायत दी। इस कारण बेरोजगार CM आवास और पुलिस मुख्यालय कूच नहीं कर पाए। इंजीनियर के घर चोरी में 2 धरे। वसंत विहार पुलिस ने बंद मकान में चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। सख्ती, नगर निगम की अवैध दुकानें भी ध्वस्त। आखिरकार नगर निगम की अवैध दुकानों पर भी प्रशासन का तौड़ा चला। दशनी गेट में नगर निगम की 8 दुकानें JCB से ध्वस्त कर दी गई। बुधवार को शाम तक JCB के जरिए इन सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। इससे पहले दुकानों को खाली करा लिया गया था। यौन शोषण मामले में भाजपा विधायक और पत्नी को नोटिस। हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण मामले में सुनवाई करते हुए विधायक और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति NS धानी की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता कि उसे CBI को पक्षकार बनाने की मांग पर जांच एजेंसी को 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। खुशखबरी, केंद्रीय कर्मियों को दशहरे से पहले बोनस। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश के 30 लाख केंद्रीय कर्मियों को बोनस दिए जाने पर फैसला हुआ। कर्मचारियों को यह बोनस दशहरे से पहले मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। कोसी में गिरी बोलेरो, 2 की मौत। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर काकड़ी घाट क्षेत्र में जीप असंतुलित होकर कोसी नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 6 नए यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के पास खेल रही किशोरी पर दिन दहाड़े झपटा गुलदार। विकासखंड ओखल कांडा के तुषराड ग्राम सभा में गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर 13 वर्षीय किशोरी को मार डाला। घटना बुधवार अपरांत 3 बजे हुई। इस घटना से गाँव में दहशत है।